सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और जरूर दबाइए घंटा ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशंस। जेडे नशा बेचते हैं उन्होंने ठल नहीं पाई जा रही, सगो उल्टा जेडे नशा करते उन्होंने पर्चा पा के उन्होंने अंदर भेज दिता जाता है। लुधियाना में एक बाइक सवार नौजवान ने पहले तो एक महिला का पर्स लूटा और उसके बाद जब उसकी वीडियो वायरल हो गई तो नौजवान ने लाइव होकर पंजाब सरकार की आलोचनाएं शुरू कर दी। उसका इल्जाम है कि सरकार ही चिट्टे की लत लगाती है। नशा बेचते हैं उन्होंने ठल नहीं पाई जा रही, सगो उल्टा जेडे नशा करते उन्होंने पर्चा पा के उन्होंने अंदर भेज दिता जाता। जेडे नशा बेचते हैं वो शरेआम फिर भी नशा बेच रहे हैं, उन्होंने डर ही नहीं किसी चीज़ का। वह कहते असं कानून पुलिस को रुपया भरते हैं, हफ्ता भरते हैं, महीना भरते हैं, असं कानून अपने जो नेड़े थाने लगते हैं उन्होंने हफ्ता भरते हैं, असं महीना दिने सू कि फड़ लेंगे। वो शरेआम चिट्टा बेच रहे हैं, वैस साहब शरेआम चिट्टा बेच रहे हैं। किसी का उन्होंने कोई डर नहीं, किसी प्रशासन का डर नहीं, किसी कानून का डर नहीं, शरेआम जनानियां शरेआम बंदे चिट्टा बेच रहे हैं, रुपये कमा रहे, अगलिया ने बिजनेस बनाए हुए इस काम को। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लुधियाना में एक लूट की घटना सामने आई थी जिसमें बाइक सवार नौजवान महिला का पर्स लूटते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जिसके बाद आज नौजवान ने खुलासा किया कि वह नशे की लत के कारण लूटों की वारदातों को अंजाम देता है। असि जे इत्थे पंजाब दे विच सरकारां ने चिट्टा लियांदा तां पीण लगे आ असि, जे इस मेरा प्यो 300 रुपया मेरा प्यो कमाउंदा, 300 रुपया मेरे प्यो दी दिहाड़ी आ, उहदे इक पासा पूरा लत्त बांह मेरे प्यो दी कंबदी आ, दसो मैनू 300 रुपया कमा के साडा घर पाले कि मैनू चिट्टे दा नशा दवे, दसो बैं साहब वह मैनू 300 रुपया कमा के साडा घर पाले कि मैनू चिट्टा दवे वह लिया के, असी की करिए बैं साहब, दसो कोई कित्थे जाइए, सानू इंसाफ चाहिए बैं साहब। कुछ 10 तरीक नूं मैं नशे की मैनू इन्नी ज़्यादा तोड़ लगी हुई सी, मेरे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो मैं एक चोरी की जिद सारे ने वीडियो मेरी वायरल हुई है, देखा कि मैं मोटरसाइकिल पर आना पर्स खो के लैके जाना, उस पर्स के मैं साहब झूठ नहीं बोलता, मैं सच दो वेले बत्थे लगते हैं, उस पर्स के 2000 रुपया सी, मैं नशा किया ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੈਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਵੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਲੀ ਚੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋਂ ਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਦਲਦਲ ਮੇ ਜਾਣੇ ਸੇ ਰੋਕੇ।